दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर्दी के मौसम में रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी पेशाब में रुकावट हो जाना, ये डॉग्स में आम बात है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तभी आप लोगों के कमेंट इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आज मैं आपको ऐसी दवा बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी या यूज़ नहीं की होगी। भाई ऐसी शिकायतें ही कम ही होती है, और जब हो गई है पेशाब की रुकावट तो हमें अच्छी दवा देनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए, ताकि तुरंत ही हमारे डॉग को ठीक किया जा सके। और इसमें सबसे बेस्ट जिस चीज़ का रिजल्ट मिलता है वो है फ्रेंड होम्योपैथी। और होम्योपैथी कौन कौन सी है ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा आज। होम्योपैथी से स्थायी रिजल्ट मिलता है, हालांकि हम बात दूसरी दवाओं की भी करेंगे, लेकिन होम्योपैथी का जो रिजल्ट है ना वो भाई बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रिजल्ट है। और होम्योपैथी में तीन प्रकार की होम्योपैथी इसमें यूज की जाती है, और तीनों ही बहुत बेहतरीन है क्योंकि तीनों का वर्क अलग अलग है। अगर मैं पहले की बात करूं तो वो है कैंथेरिस 30। ये जो कैंथेरिस 30 है ना, ये बहुत गजब का वर्क करती है जहां पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यानी ये संक्रमण जो भी हुआ है ना, तो संक्रमण में ये बहुत अच्छा काम करती है। कैंथेरिस 30 पोटेंसी की लेनी है, और जो बड़े डॉग हैं यानी कि जिनका वजन या मान लीजिए 8 किलो से लेकर के 15 किलो तक है, उन्हें 5-5 ड्रॉप सुबह शाम दी जाती है। 15 से जो 40 तक है उन्हें 10-10 ड्रॉप सुबह शाम दी जा सकती है, या बड़े जो भी हैं उनको 10-10 ड्रॉप दी जा सकती है। तो 5 से 10 ड्रॉप सुबह, 5 से 10 ड्रॉप शाम को यूज करनी होती है, जहां पर भी संक्रमण की शिकायत हो। और जब पेशाब की रुकावट हो तो वहां संक्रमण के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो वो है थूजा। जी हाँ, थूजा भी 30 पोटेंसी की लेनी रहती है। ये क्या करती है, ये जो भी रुकावट हुई है ना पेशाब की रुकावट, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, उसे दूर करने में थूजा का बहुत अच्छा, यानी ब्लॉकेज जो होते हैं रास्ते में, उसमें थूजा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर डॉग्स में ये शिकायत है तो आप दे सकते हैं। मेनली फीमेल में जो शिकायतें होती है वो अलग किस्म की होती है, मेल में होती है उनके पीछे रीजन अधिकतर पथरी का रहता है, स्टोन का रहता है। वो किडनी में हो सकती है, यूरिथ्रा में हो सकती है, वो ब्लैडर में हो सकती है, तो ये रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना रहता है, इन दोनों के साथ में, ये फीमेल में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दोनों, लेकिन मेल में अगर है तो तीनों को साथ में यूज किया जाएगा। और तीसरी कौन सी है, वो है कलकेरिया कार्प। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इसको फीमेल में यूज नहीं कर सकते, आराम से कर सकते। जहां पर भी आपको पेशाब संबंधी प्रॉब्लम लग रही है, इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और ये है कलकेरिया कार्प, और ये क्या काम करती है, जो पथरी होती है, स्टोन होती है, उसको निकालने में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो भाई इन तीनों का आप साथ में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। तीनों को 5-5 ड्रॉप लिया, जीप पर डाल दिया, नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करना है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरी मेडिसिन की, तो वो मेडिसिन है आपके सिस्टोन और निरी। ये जो फॉर्मूला है ना सिस्टोन और निरी वाला, भाई ये फॉर्मूला भी गजब का काम करता है। और जहां पर भी पथरी वगैरह होती है उसको, लेकिन करना नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से, क्योंकि इनके कई डॉग्स में साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि डॉग्स आपको पता है अलग अलग ब्रीड के होते हैं तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक टेबलेट 20 केजी बॉडी वेट के हिसाब से रोज दी जाती है, और जब ज्यादा तकलीफ होती है तो सुबह शाम दोनों टाइम भी दी जा सकती है। इसके अलावा नीरी सिरप, भाई ये भी यूटीआई, ये तो पथरी के लिए है और ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए है। यहां पर जब एक टेबलेट दी जाती है तो दो ढक्कन दवा नीरी की भी साथ में मिलाई जाती है, और ये भी सुबह शाम दी जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट इस फॉर्मूले का डॉग्स में मिलता है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल ओवर ट्रीटमेंट डॉग्स के जानना चाहते हैं, तो हर महीने की 11 तारीख से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होता है लाइव का, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को डॉग ट्रीटमेंट में भी महारथी बना सकते हैं।